अगर आपके लैपटॉप या पीसी की जो म्यूट लाइट है वो वर्क नहीं कर रही, तो आप उसको किस प्रकार से फिक्स कर सकते हो? यानी कि आपका लैपटॉप या पीसी उसकी साउंड लाइट अगर वर्क नहीं कर रही, तो उसको आप इजीली तरीके से जो है वो फिक्स कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस प्रकार से जो है फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको आपका जो पीसी है उसमें आपको यहाँ पे टास्क बार में शो होगा यहाँ पे सर्च का आइकन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिख के सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। तो यह लिख के अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको जो है डिवाइस मैनेजर शो होगा, तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके जो पीसी है लैपटॉप है उसके डिवाइस ड्राइवर की जो लिस्ट है आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर्स, तो आपको जो है इस वाले को सर्च करके इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको दो ऑप्शन होंगे, AMD हाई डेफिनेशन एंड डिवाइस एंड आपको रियल टेक हाई डेफिनेशन एंड ऑडियो। तो आपको सेकंड वाले जो डिवाइस या ड्राइवर उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने जो इस प्रकार से जो सेटिंग ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ड्राइवर वाला, तो यहाँ आपको ड्राइवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको जो है यहाँ पे अपने ड्राइवर को अपडेट करना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर डिवाइस, तो आपको जो है इस पर क्लिक करके जो है आपको अपना ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना। तो इस प्रकार से आपका जो है ड्राइवर वो इंस्टॉल हो जाएगा। ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद में यहाँ पे आपको क्लोज वाले इस पर क्लिक करके बैक हो जाना है, फिर वापस से आपको इसको क्लोज कर देना। तो इसको आपको जो है यहाँ से मिनिमाइज या एग्जिट हो जाना है। तो इस इतना सा काम आपको यह करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको अपना जो लैपटॉप है उसको आपको वापस से एक बार रिस्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको जो होम पेज है मेन्यू बटन है उसमें से आपको अपना लैपटॉप एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर अपना जो पीसी है वो रिस्टार्ट कर लिया है। अब हम इसके जो म्यूट लाइट है वो चेक करेंगे। तो हमारे यहाँ पे म्यूट लाइट आप देख सकते हो प्रॉपरली तरीके से वर्क कर रही है। हम जैसे म्यूट लाइट पे प्रेस कर रहे हैं तो म्यूट लाइट ऑन ऑफ हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे साउंड वाली लाइट यानी प्लस और माइनस वाली जो लाइट है उसको भी अगर हम यहाँ पे चेक करें तो भी यहाँ पे हमारी जो म्यूट लाइट है वो प्रॉपरली तरीके से वर्क कर रही है। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड आप जो है अपने लैपटॉप या पीसी की म्यूट लाइट के प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, उसको जो आप सही कर सकते हो।